ये मैं आपको दिखाती हूँ कितना सारा मेरे यहाँ से आम आया। आप लोग को भी खाना है तो आ सकते हैं। देखिए एक बोरा आम आया है, वो भी मालदा आम है। वाओ, देख सकते हैं। मैं अभी आ गई हूँ नहा करके और बाबू चले गए ऑफिस। मुझे बहुत सारा काम था तो मैं काम करके उसके बाद मैं नहा ली हूँ। नहा करके आई हूँ तो मैं सोची थोड़ा सा। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में, काजल अंकुश ब्लॉग में। तो फैमिली, मेरा हो गया गुड मॉर्निंग और मैं आज ब्लॉग किचन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेट आज मैं जगी हूँ। रात में एक्चुअली बारिश आ गया था तो तब जाके मैं सोई हूँ 2 बजे में, और उठी हूँ 7 बजे में। 7:30 हो रहा था, वैसे ही कुछ हो रहा था, देख ली थी। तो मैं आ गई हूँ और एक तरफ मैं दूध चढ़ाती हूँ, मतलब बॉयल करने के लिए, और एक तरफ मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है और बाबा बोलने लगेंगे जो मतलब कितना लेट तक सोते हैं। तो मैं फटाफट पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। मम्मी और झाड़ू वाड़ू लगा ली है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त। आज कितना तारीख है? आज 19 तारीख है। परसों का वीडियो अभी हम नहीं डाले, अभी डला जाएगा। उसके बाद हम लोग रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गए हैं और जब भी एक ब्लॉग पे बन रहेगा, चैनल पर नए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इस पर फॉलो कर दीजिएगा, आईडी मेंशन है। देखिए अभी सभी क्या कर। लेकिन आपको इतना लेट क्यों हुआ ड्यूटी जाने में? कहाँ गए थे? अभी सुबह सुबह चले गए थे आम लाने के लिए। कहाँ? इधर ससुराल से फोन आया था, अभी एक बोरा आम लाए हैं, वहाँ देख सकते हैं वहाँ रखा हुआ है। बहुत देर हो गया, पापा देसरी में आके पहुँचा है ना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सारा मेरे यहाँ से आम आया। आप लोग को भी खाना है तो आ सकते हैं। देखिए एक बोरा आम आया है, वो भी मालदा आम है। वाओ, देख सकते हैं। मैं अभी आ गई हूँ नहा करके और बाबू चले गए ऑफिस। मुझे बहुत सारा काम था तो मैं काम करके उसके बाद मैं नहा ली हूँ। नहा करके आई हूँ तो मैं सोची थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, और प्लीज खाना पीना खा लिया है। उसके बाद बाहर में खेल रहे अपने दादाजी के साथ में, और आज मैं बाल धोई हूँ। तो बाल धोने के बाद ही कुछ जाता ही, मतलब बाल धोने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब लगता है जो मतलब नहा है, नहीं तो बगैर बाल धोए हुए नहाने में ना अजीब सा थोड़ा सा लगने लगता है। तो इसलिए मैं आज बाल धो ली हूँ। और आप लोगों को पता है आदिवासी हेयर ऑयल जो लोग कहते हैं इतने अच्छे, इतने अच्छे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। मैं आदिवासी हेयर ऑयल यूज की थी, बट क्या ही बताऊँ मैं, जो मेरा पूरा बाल झड़ गया, ठीक है, और पूरा। हाँ, तो मैं बता रही थी जो हेयर ऑयल जो है बहुत गंदा है, मेरा बाल इतना रफ हो गया है, इतना झड़ता है, इतना टूटता है, आधा आधा पर से मतलब टूट जा रहा है। और बाबू भी लगाए थे, उनका भी बाल वही हो गया, मेरा भी बाल वही हो गया, तो फिर मैं छोड़ दी थी। यार इतना फेक चीज़ क्यों चला देता है, समझ में नहीं आता है, हर चीज़ का फेक चला देता है। लेकिन अब मैं छोड़ दिया, अब मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी बाल में, मुझे बहुत डर लगता है। यार एक तो बाल नहीं है, ऊपर से जो भी है वो भी पता चलेगा जो झड़ गया, पता नहीं क्यों। क्रिश आ गया है मेरा मेकअप किट लेने के लिए। देखिए क्या करेगा पता नहीं। क्या करोगे बेटा बताते हैं क्या? अच्छा, आपको मेकअप करना है क्या? नहीं तो बताते। अरे बाप रे बाप, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। गाँव में, गाँव में वो गाँव में लगाने वाला नहीं है बेटा। अच्छा क्या हो गया आपका हाथ में?
क्यों दर्द दे रहा है? दर्द क्यों दे रहा है? ऐसे लेकिन क्यों बताइए ना आप। बताइए। गीली खेले खेले थे बॉल, उसी में चोट लग गया है। अच्छा तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा मतलब नाश्ता कर लेती हूँ, नहीं तो पता चलेगा फिर से मेरा तबीयत खराब हो गया, लेट करूँगी तुम तो। बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है क्या? नहीं, क्रीम से थोड़ी ठीक होगा। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे थोड़ा देर के लिए रोकती हूँ, फिर मिल। तो मैं आ गई हूँ अभी नाश्ता वगैरह करके, उसके बाद मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रील्स शूट करने के लिए। और आप लोग को पता है मेरा आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, तो चलिए मैं बताती हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दिखा देती हूँ, उस पर जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं और मेरा रील्स भी देख सकते हैं। मेरा दो दो आईडी चलता है, तो देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ। एक ये है, दिखाई, एक है काजल अंकुश ब्लॉग और एक है अंकुश क्रिस ब्लॉग, शायद एक मिनट, अंकुश क्रिस 2020। तो उस पर जाके आप लोग फॉलो कर लीजिए और खूब सारा रील्स देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिए आप लोग। मैं भी चाहती हूँ जो आप लोग इतना सारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं इतना आगे नहीं बढ़ी हूँ। बट और कीजिए जो मैं जल्द से जल्द बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ रहूँगी, मिलूँगी, तो आप लोग को भी देखने में अच्छा लगेगा। तो बस हे फैमिली, तो अभी हो गए हैं शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं अभी आई हूँ रूम में और मैं जा रही हूँ अभी बेड शीट बिछाने के लिए, क्योंकि दिन में ना क्रेस थोड़ा सा बिस्किट खाया था तो वो बिस्किट डाल दिया था, तो इसके कारण पूरा चीटी लग गया था, तो मैं हटा दी थी। तो अब मैं जा रही हूँ दूसरा बेड शीट लगा देती हूँ और उसके बाद मैं जाऊंगी फिर खाना बनाने के लिए। तो आज मैं खाना बनाने वाली हूँ अपने बाबू का पसंद का, जो उनका एकदम फेवरेट खाना है। तो आप लोग को पता है? नहीं है, मैं बता रही हूँ जो आज उनका फेवरेट का खाना बनने वाला है, मतलब कढ़ी और चावल और भुजिया, क्योंकि उनको कढ़ी रोटी या फिर कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं मतलब उसके लिए थोड़ा तैयारी कर ली हूँ, प्याज मिर्ची ये सब थोड़ा सा काट ली हूँ, और मैं जा रही थी बेडशीट बिछाने के लिए, तो मैं इधर से थोड़ा सा काम कर लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे ये सब काट उठ ली हूँ, बेसन भी फाड़ उड़ के रखी हूँ, उसके बाद मैं आऊँगी। पहले जाती हूँ जल्दी से बेडशीट बिछा देती हूँ, उसके बाद वो देखिए मेरे यहाँ से जो आम आया था, मैं पूरा वो आम मतलब मम्मी पूरा बिछा दी, क्योंकि वो अभी कच्चा है तो धीरे धीरे पकेगा, है ना, पकेगा तो वैसे खाऊंगी। मुझे आम खाना बहुत बहुत पसंद है, बट सिर्फ मालदा, मालदा के अलावा कोई भी नहीं, मालदा। हाँ, और क्रिस बाहर खेल भी रहा है, तो देखती हूँ वो आएगा तो फटाफट उसको भी मतलब थोड़ा सा नहला दूँगी। बोल रहा था जब मम्मा नहाऊँगा। हाँ बेटा। नहीं है दादी, अरे इधर भाग गया बदमाश। तो चलिए कोई नहीं, मैं फटाक से जा रही हूँ, तब तक के लिए फटाक से पहले बेडशीट बिछा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी मतलब खाना बनाने के लिए, ठीक है? तो चलिए आप लोग बने रहिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मैं वीडियो को ये करती हूँ यहीं पे एंड। हे फैमिली, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे बना ली हूँ कढ़ी, लेकिन मैं आप लोग को बोली थी जो मैं जा रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए, तो मैं कढ़ी बना ली हूँ।
थोड़ी देर में, मतलब अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं चावल वगैरह बनाऊँगी, तो तब तक मैं जाती हूँ थोड़ा सा चाय बनाने के लिए। चाय वगैरह बना लेती हूँ, क्रिस को थोड़ा सा खाना खिला लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी लेट से। तो चलिए ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।